पंजाब और विफा के मौसम क्रिकेट के लिए भी बेचैन। आइंदा डोमेस्टिक कैलेंडर में इजाफे T20 इवेंट्स की ख्वाहिश का इजहार। डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL गवर्निंग काउंसिल के अहम इजलास। PSL में टीमों की तादाद 8 करने पर तबादला ख्याल। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, चाहता हूँ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स साल भर मसरूफ रहें। ICC T20 वर्ल्ड कप PCB का वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान मुकर्रर न करने का फैसला। किसी खिलाड़ी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की। बाबर आजम को कौमी टीम का बाख्तियार कप्तान बनाया गया। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स बढ़ गया। कार का टोल टैक्स 40, वैगन का 70 और बस का 130 रुपये मुकर्रर। M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 240 से 350 रुपये हो गया। बस का टोल टैक्स 790 की बजाय 1000 रुपये देना होगा। M3 पर कार का टोल टैक्स 390 से बढ़ाकर 500 रुपये मुकर्रर। बस का टोल टैक्स 1200 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया गया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। शहर में सस्ती सवारी भी होगी महंगी। कैब सर्विसेज पर 4% तक टैक्स बढ़ाने की तजावीज़। टैक्स बढ़ाने से हुकूमत 15,30,00,000 रुपए का रेवेन्यू हासिल करेगी। रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। मंजूरी से नए माली साल में टैक्स में इजाफे का इतलाक होगा। किराए बढ़ जाएंगे। हुकूमत किसानों से 11 अरब इजाफी वसूल करेगी। ज़रई इनकम टैक्स की शरह बढ़ेगी। 12 एकड़ से ज्यादा वाले काश्तकार शिकंजे में आएंगे। टैक्स 300 से बढ़ाकर 1200 फी एकड़ किया जाएगा। 25 से 50 एकड़ पर 400 रुपये से 1500 रुपये तक टैक्स होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। महकमा खजाना ने बजट से कबल मुतादिद महकमों के फंड्स रोक लिए। महकमा हेल्थ ने तनख्वाहों, अदवियात और दीगर अखराजात के लिए 41 अरब का बजट मांग लिया। महकमा खजाना ने ताहाल महकमा सेहत को बजट जारी नहीं किया। पंजाब में वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज खजाने पर बोझ बन गई। तमाम एजेंसीज को 14 अरब खसारे का सामना। एजेंसीज की सालाना आमदन 17 अरब, अखराजात 31 अरब से तजावज कर चुके। वासा लाहौर की इनकम 11 अरब, अखराजात 18 अरब रहे। तमाम वासा के खसारों पर रिपोर्ट तैयार। MCL मुख्तलिफ अहदाफ पूरे करने में नाकाम। 14 अरब 41 करोड़ हदफ में से सिर्फ 10 अरब 4 करोड़ इकट्ठे किए जा सके। जनरल बस स्टैंड लाहौर का हदफ 1 अरब 40 करोड़ रखा गया। 1 अरब 23 करोड़ 99 लाख ही जमा हो सके। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का बारदाना की तकसीम में घपलों का नोटिस। रेफरेंस पर FIA ने पास्को अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। साबिक GM फील्ड ज़हूर अहमद रांझा, सोनल हेड बहावनगर, जिब्रान इकबाल के खिलाफ मुकदमा। मुलजमान ने 1 अरब का खजाने को नुकसान पहुंचाया। मनपसंद प्लेट्स लगाने वालों के लिए अच्छी खबर। TG एक्साइज वेंटी प्लेट्स के डिजाइन कॉन्टेंट को निंदा के लिए मुकर्रर। मनपसंद प्लेट्स 3 कैटेगरीज में जारी करने की तजवीज़। प्लेटिनम कैटेगरी में मनपसंद नाम और जात वाली प्लेट की बुनियादी कीमत 5 लाख मुकर्रर की गई। गर्मी की शिदत में कमी के बाद फिर तेजी। मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। आज आंधी फिर से लाहौर का रुख करेगी। शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए नहर का रुख कर लिया। पानी में डुबकियां भरपूर एंजॉय किया। रोटी की नई कीमत का इतलाक दर्दे सर बन गया। रोटी कहीं 16, कहीं 15 और कहीं मकामात पर 14 रुपए की फरोख। नई कीमत के इतलाक पर जिला इंतजामिया मुकम्मल नाकाम। बेशतर इलाकों में रोटी ताहाल 15 रुपए में फरोख। नान बाय एसोसिएशन ने सरकारी कीमत नजरअंदाज कर दी। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज को नो लिफ्ट। मरीजों की अक्सरियत को सेहत कार्ड पर इलाज फराहम नहीं किया जा रहा। डॉक्टर्स और अमले का मुनासिब शेयर तय न होने से सेहत कार्ड को पजीराई न मिल सकी। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड को तरजीह न देने से मरीज दर बदर।
इंतजामिया शहर के बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम। फिरोजपुर रोड से मुतसिल सितारा कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। सीवरेज का मुनासिब इंतजाम न होने के बराबर। गुल कॉलोनी में भी नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे से बंद। बेशतर मरकजी शहराओं पर तजावजात की भरमार। फिरोजपुर रोड भी तजावजात की आवाज का बन गया। मुस्लिम टाउन निचरा बाजार के बाहर रेड़ी बानों ने कब्जा जमा लिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। थाने में जितना जुर्म उतनी नफरी। पुलिस अफसरान से इजाफी नफरी वापस लेने का फैसला। थानों पुलिस दफातर और अफसरान से इजाफी नफरी वापस बुलवाई जाएगी। थानों में जराइम के तनासब और नफरी की चेकिंग बारे कमेटी तश्कील। जेल अफसरान की तैनाती का दौरानिया एक साल रखने का फैसला। एक साल तक तैनात जेल अफसरान का तबादला किया जाएगा। फैसले का इतलाक जेल सुपरिटेंडेंट डेप्टी सुपरिटेंडेंट पर होगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और दीगर जेल अफसरान भी तब्दील होंगे। शहरियों की गैर कानूनी हिरासत झूठे मुकदमा। हाईकोर्ट का शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने से मुतालिक फैसला। खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर SHO दीगर अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जस्टिस अशोक जावेद घराल ने नजमा बीबी की दरख्वास्त पर 10 दफात का फैसला जारी किया। कचहरियों में निकाह करने के रुझान में इजाफा। रोजाना सेशन और तीनों कचहरियों में एक दर्जन जोड़ों के निकाह होने लगे। अष्टाम फरोशों के रजिस्टर्ड शादीशुदा करने वालों की तस्वीर से भर गए। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो। पब्लिक सेक्टर कंपनियों अथॉरिटीज की तश्कील नौ का मामला खटाई में पड़ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ पर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन LWMC और फाइनल होने के बावजूद इंतजार की सूली पर लटकने लगे। वॉइस चेयरमैन वासा और चेयरमैन मॉडल बाजार मालिक अफसल खोखर भी मामतसर। सूबाई वजीर शाफी हुसैन से इको सोलर कंपनी चाइना के वफद की मुलाकात। पंजाब में सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर बातचीत। सूबाई वजीर ने कहा सोलर एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी के वसीम मौके हैं, चाहते हैं पंजाब में सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे। अपोजिशन लीडर पंजाब का हद तक इज्जत बिल चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं हर फोरम पर बिल की मुखालफत करेंगे। पीपी को कहूंगा विकेट के दोनों तरफ मत खेलें। टिकटॉकर और फॉर्म 47 की वजीर आला बिल को लाएं। आज ही दफ्तर के सामने भी एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास। समी जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने सदारत की। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुल्क गिर पुरान मजामती तहरीक पर गौर किया गया। लाहौर बोर्ड से रजिस्ट्रेशन के लिए तालीमी और तदरीसी स्टैंडर्ड्स का पूरा होना लाजम करार। कमेटी की स्क्रूटनी के बाद 54 निजी इदारों के इलाक में तौसी की मंजूरी। कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। कहा बोर्ड को निजी इदारों के पोर्टल्स ओपन करने की मशरूत इजाजत। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बहरिया टाउन का कॉन्वोकेशन। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान नफीकी की खसूसी शिरकत। नुमाया तलबा और तालबात में गोल्ड मेडल्स और तारीफी असनाद तकसीम की। शेख जैद अस्पताल में थायरॉइड के दिन पर आगाही वॉक। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आयशा हुमायूं, प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान, प्रोफेसर डॉक्टर मुना की शिरकत। वॉक का मकसद थायरॉइड से मुतालिक बीमारियों बारे आगाही फैलाना था। दसवीं नेशनल जापान कराटे चैंपियनशिप। मुल्क भर से 400 से ज्यादा फाइटर्स ने हिस्सा लिया। इवेंट में 235 मुकाबले मुनाकिद हुए। सूबाई वज़ीर-ए-खेल फैसल अयूब खोखर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत।